क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज अगले महीने 29 मार्च से होगा, मगर इससे पहले मुंबई इंडियंस के एक खिलाड़ी ने ताबड़तोड़ पारी खेलकर ना सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, साथ ही साथ आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइजी को भी खुश कर दिया और तो और टीम इंडिया के दरवाजे पर भी दस्तक दे डाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के धासु बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की। दाएं हाथ के बल्लेबाज सूर्य कुमार ने 10 छक्के और 7 चौकों की मदद से 117 रनों की शानदार पारी खेली है। सूर्य कुमार यादव डीवाई पाटिल T20 टूर्नामेंट में BPCL की तरफ से सेंट्रल रेलवे के लिए खेल रहे हैं और इस दौरान उन्होंने पहले तो 24 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर अगली 29 गेंदों में 117 रन पूरे कर लिए। इस दौरान सूर्य कुमार ने 7 चौके और 10 छक्के भी जड़े। आपको बता दें, आईपीएल में सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हैं। अब आईपीएल से ठीक पहले सूर्य कुमार की ये पारी देखकर मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और फ्रेंचाइजी के साथ ही मालिक भी बेहद खुश हैं। वहीं अपनी इस पारी से सूर्य कुमार ने टीम इंडिया के दरवाजों को खटखटा दिया है। हालांकि सूर्य कुमार हमेशा बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं, मगर टीम इंडिया में उनकी हमेशा अनदेखी की गई है। हरभजन सिंह तो सूर्य को टीम में न लेने पर चयनकर्ताओं पर सवाल भी उठा चुके हैं। फिलहाल तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको सूर्य कुमार यादव की ये ताबड़तोड़ पारी कैसी लगी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।